हेलो बच्चों, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सबके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बेटे, है ना। एलसीएम और एससीएम का है बच्चा, लेकिन हालत खराब कर देता है। क्यों? ये 9 टाइम्स क्या है वो भी एससीएम एलसीएम, दुनिया दुनिया दुनिया, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है बच्चों। सिर्फ इक्वेशन बनाओ, क्वेश्चन खत्म, दम है ही नहीं इस क्वेश्चन में। मत्था पच्ची करते रहते हो, है ना, करते रहते हो कि नहीं, कमेंट में जरूर लिखना और हम बताएं इसको कैसे करना है। देखो आओ बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत मस्त लल्लन टॉप। ये समझ लो कि ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा बेटा। समझ लो ये क्वेश्चन 2 मिनट का है, और इसको लगाओगे जानते हो कितना, 5 6 10 मिनट। मैं मुझे बताने भी लग सकता है यार, लेकिन अगर सही से लगाओगे ना आप लोग, तो क्वेश्चन सिर्फ 2 मिनट का है, इससे ज्यादा नहीं है। बढ़िया 2 नंबर 3 नंबर लेके चले आओगे इस क्वेश्चन से। चलो देखता हूँ कैसे करते हो। देखो लिखा हुआ है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स। द एलसीएम ऑफ, देखो सोल्यूशन लिखने का तरीका भी होता भैया, है ना। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स। एलसीएम है 2 नंबरों का, कितना है बेटा, 9 टाइम्स डियर एससीएफ, 9 टाइम डियर एससीएफ। द सम ऑफ एलसीएम एंड एससीएफ इज, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बेटे। द सम ऑफ एलसीएम एंड एससीएफ इज 500। ये इक्वेशन 2 हो गई। बहुत अच्छे, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं भाई, बोला है कि किसी लासा, मतलब 2 संख्याओं का लासा 9 गुना है उसके मासा से, यानी एससीएफ से। 2 संख्याओं का एलसीएम उसके एससीएफ का 9 गुना है, तो मैंने एससीएफ का 9 गुना कर दिया, एलसीएम बन गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर एलसीएम और एससीएफ का सम यानी योग 500 था, रख दिया। अब देखो बेटे, कुछ दम नहीं, इस इक्वेशन को पुट द इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ एलसीएम इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से एलसीएम की वैल्यू निकालो और सेकंड में पुट कर दो। बहुत अच्छा बेटा। तो एलसीएम बेटे देखो, एलसीएम यहाँ पे, तो इस इक्वेशन सेकंड में एलसीएम की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से उठाओ तो क्या आएगी, 9 एससीएफ आएगी बेटे। रख दो 9 एससीएफ, और ये प्लस एससीएफ था ही, इज इक्वल टू 500। 9 एससीएफ प्लस 1 एससीएफ, भाई 1 होता है ना, कुछ नहीं होता, तो 10 एससीएफ इज इक्वल टू 500। एससीएफ इज इक्वल टू 500 अपॉन 10, कितना आ गया, 50। यही आंसर क्या था, कुछ नहीं था, बस आपको करना था बेटे। समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो इस क्लास को, इस एक क्वेश्चन को आप लोग सभी जगह पे शेयर करो, और सभी अपने दोस्तों को बताओ कि भैया देखो कितना शॉर्ट तरीका, मतलब इक्वेशन से ही क्वेश्चन हो गया। सभी बताते हैं, मैं भी बताया हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो नेक्स्ट क्लास के लिए, है ना, और लाइक कर जरूर कर देना। ओके चलिए ठीक है, ओके थैंक यू क्लास।